आज हमारे साथ मौजूद है सुधीर गुप्ता जी, जो कि मंसूर से एमपी है। बीजेपी में राष्ट्रीय नेताओं में उनका अग्रेसर नाम है। बीजेपी के लिए वो अपना जीवन न्योछावर कर चुके हैं और आज हम जानेंगे वो गुजरात के प्रवास पर है और गुजरात में कौन सी राजनीति चल रही है, उनके कौन से उपदेश से गुजरात में काम हो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे सुधीर गुप्ता जी से। जी सर, बताइए। जी नमस्कार। मैं लंबे समय से गुजरात के सभी कार्यकर्ताओं से और इनसे संपर्कित हूँ। अभी जब चुनावी दौर में मैंने गुजरात में सोमनाथ, राजकोट और अन्य स्थानों पर जनता से, कार्यकर्ताओं से संपर्क किया, तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ समझ में आई कि जनता का अभूतपूर्व स्नेह है, विश्वास है। और जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जनता को संबोधित करते हुए संदेश दिया कि आ गुजरात हमें बनायू छे, तब जो जन सामान्य एक एक व्यक्ति इसी स्वर में अपनी बात को कह रहा है, यानी गुजरात के विकास और निर्माण में जनता और भारतीय जनता पार्टी दोनों का एक दूसरे से जुड़ाव होते हुए इस गुजरात को आगे ले जाने की एक लंबी प्रक्रिया हुई है। जनता के मन में यही विश्वास है, यही आशा है और जनता ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी नए सुझावों को सम्मिलित करते हुए एक नए गुजरात की संकल्पना का जो लगातार क्रमबद्ध अभियान चल रहा है उसको और आगे बढ़ाए। मन में विश्वास, यह 182 सीटों वाली इस गुजरात में अधिकांश सीटें भारतीय जनता पार्टी को देने के मन के साथ गुजरात की जनता आगे बढ़ी है। आज से नरेंद्र मोदी भी गुजरात के दौरे पर है, तो क्या कहेंगे, उनका क्या प्लान, गेम प्लान रहेगा? नहीं, मोदी साहब ने गुजरात से राजनीतिक जीवन का प्रारंभ किया है, मगर दिशा पूरे देश को दी है, नेतृत्व पूरे देश को दिया है और दुनिया उस नेतृत्व को स्वीकार करती है। आज आतंकवाद के समापन से लेकर विकास की संकल्पनाओं तक, खेती किसानी से लेकर मजदूर तक, गांव गरीब से लेकर और बस्तियों तक, हर एक के मन में भरोसा है। कोविड जैसी भीषण विभीषिका में हमने इस देश को मोदी जी के नेतृत्व में बाहर निकालते हुए देखा है। गरीब के पक्का मकान बनाने से लेकर गैस के चूल्हे तक, ऐसी आशावादी रचनाओं के साथ साथ देश का औद्योगिक विकास हो, देश की आर्थिक समृद्धि हो, देश की सेनाएं सुदृढ़तम तरीके से और दुनिया में और भारतीय संस्कृति का भी अपना परचम लहराए, इन सबको समावेश करने वाला नेतृत्व कई दशकों के बाद, और मैं तो ये कहूँगा कि सदियों के बाद भारत को मिला है, यह गुजरात की जनता स्वीकार करती है। और मोदी जी की हर बात को अपनी बात मानते हुए मोदी जी के नेतृत्व में जनता चलना ही चाहती है और मोदी जी जनता की हर छोटी से छोटी बात को अपनी बात बनाकर लेकर चलना चाहते हैं, यही उनका संदेश भी है। आओ हम सब मिलकर गुजरात को आगे ले जाएं। और इसी के साथ जनता और मोदी जी एक दूसरे से तन्मय नज़र आते हैं। आप दिल्ली में रहते हैं और केजरीवाल भी दिल्ली में है और वो यहाँ पर आके अड़िंगा जमाए हुए है गुजरात के लिए, तो केजरीवाल को क्या कहेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता, छठ की पूजा के दिन जब हमने बहनों को यमुना नदी में स्नान करते हुए देखा और जिस तरीके से केमिकल युक्त पानी और झाग युक्त पानी केजरीवाल को मौका मिला था काम करने का, वो यमुना साफ नहीं कर पाए, तो गुजरात में काम करने की कल्पना तो बेमानी है। मुझे नहीं लगता है, पहले वो अपना दिल्ली सुधार ले, बाकी फिर देश को बताए। इसी तरह से ओबीसी भी मार्केट में है, तो ओबीसी को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मैं और पूरा देश जानता है ओबीसी के स्वर, ओबीसी के जिस तरीके से जनता के बीच में विभेद करने वाली बातें बार बार कहना, जिस तरीके से समरस भारत के निर्माण में उनकी अपनी जो भूमिका है वो मैं समझता हूँ विघटनकारी है और इसीलिए देश उनको कोई गंभीरता से लेता नहीं है। कहीं कहीं कुछ भड़काकर इधर उधर कुछ लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन समाज ओबीसी को कभी गंभीर नहीं लेने वाला है। कांग्रेस कहाँ पर है आप? अब देखिए, आप तो देख ही रहे हैं कि नेतृत्व का भटकाव और किस तरीके से कांग्रेस जन सामान्य की बातों को करती है। बातें, वादे, नारे तो कांग्रेस पिछले 70-75 सालों से लगा रही है, शिक्षा से लेकर,
गरीबी की मुक्ति तक के नारे तो उनके पास बहुत थे। बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात कई दशक पहले कह दी, लेकिन जनता का जुड़ाव, 45 करोड़ खाते तो मोदी साहब के नेतृत्व में आए हैं। गरीबी हटाओ के नारे कांग्रेस ने कई दशकों पहले दे दिए, मगर पक्के मकान बनाने का सपना, गरीब के घर पर खुशियाँ लाने का सपना तो मोदी जी के नेतृत्व में आया है। इसलिए मुझे नहीं लगता है साहब, कांग्रेस वर्गवाद के आधार पर एक दूसरे के खिलाफ बोलकर, किसी को भयभीत करके और नारा तो जोड़ने का लगाते हैं, लेकिन विचार रोज़ तोड़ने के प्रकट करते हैं। और इस तोड़ोवादी वोट कुछ हो सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता है कि गुजरात में उनका कोई स्थान बाकी बचा है। बीजेपी की जीत तो पक्की है, सीट कितनी आएगी? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ कि बहुत गंभीरता से बीजेपी चुनावी मैदानों में रहती है, क्योंकि जनता से बीजेपी का जुड़ाव है, जन सामान्य के प्रति लगाव है, और इसीलिए 182 सीटों पर हम जीतने के लिए काम कर रहे हैं। और ये जीत जो मुझे लग रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में, अमित जी के नेतृत्व में, भूपेंद्र भाई पटेल जी के नेतृत्व में, सीआर पाटिल जी के नेतृत्व में, और एक एक कार्यकर्ता बीजेपी का वार्ड तक, बूथ तक, नीचे पेज तक, गली मोहल्ले तक काम कर रहा है, छोटे से बड़ा, मुझे लगता है कि ऐतिहासिक जीत है। आज तक की सबसे बड़ी जीत, गुजरात की जीत, ये वाला वर्ष गुजरात के लिए ऐतिहासिक वर्ष है। ये थे सुधीर गुप्ता जी, जो कि गुजरात के प्रभारी है और देश के कोषाध्यक्ष है बीजेपी के। उन्होंने एक बात पक्की की है कि सरकार हमारी बनेगी, सबसे ज़्यादा सीटें भी इस बार आएगी, और इस बार बीजेपी के लिए माहौल बढ़िया है। कैमरा पर्सन अनस दावला के साथ शार्दुल गज्जर,